सो हाई गाइज, आदर्श हियर। तो कल मैंने एक्चुअली एक पोस्ट डाला था जिसमें आप लोगों की बहुत सारी डाउट होती है हमेशा कि भैया से मैं ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो मुझे उम्मीद नहीं था, उम्मीद से बढ़कर तकरीबन 450 बच्चों की क्वेरीज आई। और मुझे ऐसा लगा कि यार सच में इसलिए बहुत सारे बच्चों को मेंटरशिप की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि तो उनमें से मैंने तकरीबन 25-30 डाउट्स को लिया है, क्योंकि वो डाउट्स बहुत सारे बच्चों के लिए कॉमन था। और मैं वो सारे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं सामने आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, और सारे क्वेश्चंस की मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं माफ़ी चाहूंगा किसी बच्चे के कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज अगर मिस हो गई हो, क्योंकि प्रैक्टिकली 25-30 मिनट या फिर अगर मैं एक घंटे की भी वीडियो बना दूँ तो 400-500 क्वेश्चंस का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये बात आप मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर किन बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा लगता है कि मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए या ऐसा करके कुछ। तो फिलहाल अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा राजी शेख ने ये क्वेश्चन पूछा है कि वो एक MHT CET एग्जामिनेशन होती है, उसकी वो प्रिपरेशन कर रहा है। उसका ये कहना है कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो बोर्ड एग्जामिनेशन की बुक होती है, क्या उसको सिर्फ कर लेने से 90+ मार्क्स आ सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन, आपकी जो भी बुक है, सब्जेक्ट की जो बुक आती है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको प्रिपरेशन करोगे तो 60-70 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। उसके साथ ही साथ अगर आप MHT CET की प्रीवियस ईयर के सारे बुक्स को बना लेते हो, ये बुक को बना लेते हो जो आपकी टेक्स्ट बुक है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ आपको 80-85 या 90 मार्क्स लोग आते हैं। यह है विमान दास का एक क्वेश्चन है, शायद ये वेस्ट बंगाल से है ये लड़का। और इसका ये क्वेश्चन है कि इन्होंने WBJEE की एग्जामिनेशन दी है और इसका WBJEE का एग्जामिनेशन उतना अच्छा गया नहीं है, और इसे कहीं ना कहीं CS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए, WBJEE से ही एडमिशन चाहिए। पूछ रहे हैं कि अगर इसे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है तो ये क्या कर सकता है, क्या मैनेजमेंट कोटा से किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है या फिर नहीं? पहली बात तो ये कि मैं मैनेजमेंट कोटा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, बट अगर आपकी एग्जामिनेशन खराब हो जाती है किसी भी वजह से और आप एक साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो बहुत सारे कॉलेजेस में, इनफैक्ट जो WBJEE के अंदर जो कॉलेजेस आती हैं उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें मैनेजमेंट कोटा लीगल है, मतलब उस कॉलेज में 10% सीट मैनेजमेंट कोटा से ही एडमिशन होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा से आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि हेरिटेज हो गया, IIM हो गया, टेक्नो इंडिया हो गया, या फिर और भी हल्दिया हो गया, ये सारे कॉलेज WBJEE के अंदर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होती है। फिर बैंगलोर में भी कॉलेजेस से होती हैं, तो इसके बारे में अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानना नहीं होगा। आपको अगर पर्सनली इस चीज़ के बारे में जानना है तो ईमेल आईडी मेरी अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे ईमेल कर देना, मैं फिर आप लोगों को जो भी फर्दर चीज़ें होंगी वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूँगा। हमारा विष्णु जलन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या भैया 75% वाली जो क्राइटेरिया थी जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए, क्या उसे अभी हटा दी गई है? तो अभी तक इसे हटाया नहीं गया, ये बस स्पेकुलेशंस अभी चल रही हैं कि हटा दिया जाएगा शायद, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड शायद, इट्स नॉट कंफर्म्ड येट। तो अभी हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते 75% क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। बहुत सारे इसके प्रोज और कॉन्स हैं, मतलब अगर यूं तो कहा जाए तो नहीं हटाना चाहिए, कुछ बच्चों के हिसाब से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जो वीकर सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन थी, सपोज कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका XYZ, वो बाकी रह गए, कहीं ना कहीं आपने ये उम्मीद किया था कि उस पर मुझे 95-98% मार्क्स लाने हैं उस सब्जेक्ट में, तो मेरी 75% क्राइटेरिया पार हो जाती। लेकिन अगर एग्जामिनेशन नहीं होती है, इन दैट केस अगर मुझे उसमें कम मार्क्स आ जाते हैं तो मेरे 75% मार्क्स नहीं पूरे हो पाएंगे। तो इस अब ऐसे सोच वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि 75% वाली जो क्राइटेरिया है वो हटा देनी चाहिए, लेकिन अगर फिर इस तरीके से देखा जाए और पास और फेल का ही क्राइटेरिया रख दिया जाए सिर्फ और सिर्फ, तो फिर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि कॉम्पार्ट का भी एग्जामिनेशन देंगे क्योंकि उनकी एक सब्जेक्ट फेल हो चुकी होगी, और कॉम्पार्ट देने के बाद वो पास हो जाएंगे, और कहीं अगर उसकी जेई मेंस से बहुत अच्छी रैंक हुई होगी तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे, उनको एडमिशन कैसे दी जाएगी? तो यहाँ पे थोड़ी सी अभी असमंजस है, इसलिए वो भी टाइम ले रहे हैं। तो अभी झूठ मूठ की कोई भी खबर हम लोगों को बताने का बिल्कुल भी नहीं है, जब खबर आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। सत्यम तिवारी ने पूछा है कि भैया कैसे हम लोग मोटिवेटेड हम लोग हमेशा रह सकते हैं, हम लोग के अंदर हमेशा मोटिवेशन किस तरीके से लाई जाए। सबसे पहली बात तो ये यार कि अभी तुम्हारी या हमारी, मेरी तो तुम लोगों से थोड़ी ज़्यादा है, 2-3 साल मैं ज़्यादा बड़ा हूँ तुम लोगों से, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 18 साल, 19 साल या फिर 20 साल? खोने के लिए बहुत कम कुछ है और पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब लाइफ का अभी तुम 1/3 हिस्सा भी नहीं जिए हो, तो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन वेंशन की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और एक दिन का, आज मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज़ आज मेरे को एक वीडियो बनानी है यूट्यूब की, मुझे पता है कि इस वीडियो को अगर मुझे बनाना है पहले मुझे सारे कमेंट सेक्शन को देखने होंगे, उसमें मुझे 1 घंटे जाएंगे, उसमें क्वेश्चंस को सेलेक्ट करूंगा, फिर उन क्वेश्चंस की मैं प्रिपरेशन करूंगा तो मुझे 1/2 घंटे 1 घंटे उसमें जाएगी मेरी, फिर मुझे ये पता है कि मैं कैमरा सेट करूंगा, लाइटिंग कंडीशन चारों तरफ से अच्छी होगी, उसे सेट करके फिर मैं वीडियो शूट करूंगा, उसमें मेरे 1 घंटे का वक्त जाएगा, फिर मैं उसे एडिट करूंगा और अपलोड करूंगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे खराब है तो वक्त लगेगा, तो वहाँ पे मेरे 1 घंटे वहाँ पे वक्त जा सकता है। तो मुझे पता है कि अगर मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बना के डालूंगा तो मुझे 4 घंटे का वक्त चाहिए। अब 4 घंटे का अगर वक्त चाहिए तो मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि इस वक्त तक मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। अब जब मैंने डिसाइड कर लिया कि इस चीज को मुझे बनाना है, और कहीं ना कहीं अगर मुझे उस चीज से प्यार है,
क्योंकि अगर मुझे मुझे इस चीज़ से प्यार है कि यार तुम्हारी कुछ डाउट्स है, मैं उस डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ से प्यार है कि यार इलेक्ट्रिक स्टेट का एक क्वेश्चन आएगा, मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस चीज़ से अगर प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो फिर उस काम में हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। समझ में आया? तो मैं तो इसी तरीके से मोटिवेट रहता हूँ यार कि हाँ, एक डाउट आपकी आई, मैं कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में उस डाउट को आपका सॉल्व कर पाया, तो मेरी मोटिवेशन तो वहाँ से ही मिल जाती है मुझे। तो इस तरीके से आप लोग भी मोटिवेटेड रह सकते हैं। बस अब क्वेश्चन है, अंकित कुमार सिन्हा का ये क्वेश्चन है, इसने ये पूछा है कि भैया क्या भैया जेई मेंस 2021 में होगी या फिर नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर होगी तो कट ऑफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और तीसरा सवाल ये है कि इस साल 2020 में एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होती है तो क्या अगले साल कॉलेजेस की सीट बढ़ा दी जाएगी। पहला आंसर तो ये कि 2020 की एग्जामिनेशन भी होगी, दूसरा एग्जामिनेशन ये कि 2021 की भी एग्जामिनेशन होगी, और तीसरा आंसर ये कि कट ऑफ में कोई भी फर्क नहीं आएगा, और चौथा और आखिरी जवाब मेरा ये रहेगा कि जब आपकी इस साल की एग्जामिनेशन होगी, चाहे वो सितंबर में हो, अगर डिले हो जाए तो अक्टूबर में हो, कभी भी हो, एग्जामिनेशन होगी मतलब होगी। परसेंटाइल सिस्टम है इसलिए कट ऑफ में फर्क नहीं पड़ने वाला, 89% परसेंटाइल, 90% बस इतना सा डिफरेंस आ सकता है। बहुत अगर डिफरेंस आया तो 89.9 से 89.6 हो जाएगा, 89.8 से 89.4 हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस। ऐसा नहीं होगा क्या 89 है तो 83 हो गया, 89 है तो 94 हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो शायद ये वाली जो डाउट है आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। और रही बात की है ये कि एग्जामिनेशन अगर पोस्टपोन्ड हो जाती है तो अगले साल सीट, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इस बार जेईई की एग्जामिनेशन होगी और इसी साल सीटों को भरा जाएगा। कृति का एक क्वेश्चन है कि हर कोई मोटिवेशन का बात करता है भैया, बट कोई इस चीज़ का बात बिल्कुल भी नहीं करता कि फैमिली कंडीशन बहुत किसी की उतनी अच्छी नहीं होती है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, हल्ला होता है, तो उसे किस तरीके से हम लोग कोप अप करें। तो पहली बात तो ये यार कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हर जगह पर होती है। जिस जगह झगड़ा नहीं होता है बहुत शांति होती है, जैसे कि हमारा घर, जैसे कि अभी मैं घर पर आया तो मेरे घर में तो ये कुछ झगड़ा ना कुछ हल्ला कुछ तो नहीं होता। हम लोग अंकल के बेटे, मैं, अपना भाई जो भी हैं, 4-5 लड़के ऐसे रहते हैं, हम लोग फैमिली हैं, तो इतने सारे फैमिली में डिस्कशन होती है। जो मोटिवेट, जो जिस तरीके से आप पढ़ाई बाहर कर सकते हो उस तरीके से पढ़ाई घर पे नहीं होती है। इन दैट केस अगर आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आती है तो आप लोग लेट नाइट पढ़ाई के बारे में सोच सकते हो। घर में गार्जियन 9-10 बजे तक या फिर 11 बजे तक सो जाते हैं, तो आप पहले सो जाया करो और 11-12 बजे से फिर 3-4 या फिर 5 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हो, या फिर दोपहर में पढ़ाई करने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोपहर को पढ़ाई करने में, गर्मी होती है, नींद सारी बहुत बच्चों को लगता होगा, लेकिन अगर आपके घर पर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन चूज दिस मेथड। ये वाली मेथड आप लोगों के लिए हेल्पफुल कहीं ना कहीं हो सकती है, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है। के बाद सवाल हमारा आ रहा है आकाश की तरफ से। आकाश ये पूछ रहे हैं कि इस साल उन्होंने क्लास 12th की एग्जामिनेशन दी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी हो वो सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ाई करी है, और वो चाहते हैं कि वो यूट्यूब वीडियो बनाएं, तो क्या ये सही वक्त है यूट्यूब वीडियो बनाने का। तो मेरा मानना ये है यार कि अभी आपका सही वक्त है पढ़ाई करने का। हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, पहले उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसे आप लोग अच्छे से दे दो। हर एक चीज़ का एक वक्त आता है। अब वीडियोस कब स्टार्ट करें? जब आप किसी भी कॉलेज में जाते हो, जो पहला ईयर होता है वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, मतलब 2-4 घंटों की पढ़ाई होती है, उसके बाद 4-5 घंटे आपके पास ऐसे ही होते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे ऑप्ट करते हैं कि वो नाइट आउट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं खेलने जाते हैं। आप इस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हो कि आप अपने पैशन को फॉलो करो और यूट्यूब वीडियोज़ बनाओ, फ्रीलांसिंग करो, ब्लॉगिंग करो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, डिफरेंट चीज़ें आप लोग सीख सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि फिलहाल अभी आप लोगों को पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मन करता होगा यार कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, YouTube वीडियोस डाल रहा हूँ, व्यू नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ें होंगी, बट हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो अभी फिलहाल पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, आफ्टर गेटिंग एडमिशन यू कैन लुक फॉर एनी YouTube चैनल या कुछ भी ऐसा करके कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो और फिर अच्छे ढंग से कर सकते हो। ये उर्वशी का क्वेश्चन है और एक शिवम का क्वेश्चन है, मैं दोनों को एक साथ ही ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटर रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट मैं उसे रिलेट कर पा रहा था इसीलिए मैं दोनों को साथ लेके बता रहा हूँ। तो उर्वशी का क्वेश्चन ये है कि क्लास 12th में जनरल कैटेगरी के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास 12th के ही परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहे हैं। तो फॉर जनरल स्टूडेंट और ओबीसी स्टूडेंट इट इज 75% टिल नाउ, चेंजेस हो सकती हैं बट टिल नाउ इट इज 75%, समझे? या फिर टॉप 20%, मतलब ऊपर से लेके टॉप 20% के जो बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ें हो सकती है। अब ये जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे कि बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड, अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो आपकी कट ऑफ आपको काउंसलिंग के वक्त पता चलेगी, अभी पता नहीं चलने वाली। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो बट इट कैन वैरी।
तो आप लोगों को काउंसलिंग तक वेट करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है हमारा शिवम से। शिवम ये पूछ रहे हैं कि भाई कॉलेज जाने से पहले और कॉलेज जाने के बाद क्या चेंजेस आप में नजर आई, बोथ एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही चीजों के बारे में ये पूछ रहे हैं। सीरियसनेस कैसा है कॉलेज में, पढ़ाई कितना करते हैं। सवाल है क्या भैया जितना हम लोग आई आई टी जेई के वक्त में प्रिपरेशन करते हैं क्या उतनी ही लगन से प्रिपरेशन हम लोग कॉलेज के वक्त पे करते हैं। पहली बात तो ये कि यार अगर आप जितनी शिद्दत से, मैं मानता हूँ कि जितनी शिद्दत से बच्चे जेई के वक्त पढ़ाई करते हैं, आई आई टी जेई के वक्त 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, कुछ बच्चे 14 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ भी रहे होंगे, अगर उसी शिद्दत से बच्चे कॉलेज पीरियड में भी अगर पढ़ाई करते हैं तो मेरा ये मानना है कि वो बंदा आराम से 16 से 18 लाख का पैकेज ले लेगा। बट ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अभी आके आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या आपका पैशन है, किस चीज़ में आपको मन लगता है, फिर उस चीज़ के ऊपर आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग जाने लगेगा। सपोज किसी को क्रिकेट पसंद हो सकता है, किसी को फुटबॉल पसंद हो सकता है, किसी को सिंगिंग पसंद हो सकता है, किसी को डांसिंग पसंद हो सकता है, किसी को यूट्यूब वीडियोस बनाना पसंद हो सकता है, किसी को शायरी लिखना पसंद हो सकता है, किसी को स्टोरी टेलिंग पसंद हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। मैं कॉलेज टाइम से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ा करता था। कॉलेज टाइम पे आके पढ़ाई फर्स्ट ईयर में फिर भी मैंने की, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, ब्लॉगिंग करता था, मेरी खुद की एक एप्लीकेशन है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, उन सारी चीज़ों के ऊपर देखता हूँ, तो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती है मेरी। बट मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं फिर भी 4 घंटे 5 घंटे निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं एटलीस्ट जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ उस हिस्से में जुड़ा रह सकूँ। तो यही चीज़ें थी, होपफुली जो पूछना चाह रहे थे वो क्लियर हो चुका होगा। ये है कृष कुमार का क्वेश्चन कि क्या भैया जेई 2021 में जो होने वाली है वो सही समय पे हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। आई डोंट थिंक यार जनवरी में एग्जामिनेशन हो पाएगी, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, हो भी सकती है, बट आई पर्सनली थिंक कि जनवरी में एग्जामिनेशन कराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी एकेडमिक ईयर जनवरी दिसंबर या फिर जनवरी में स्टार्ट होने वाली, सितंबर में एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी, अक्टूबर तक तो काउंसलिंग चलेगी, कॉलेज स्टार्ट होगी नवंबर में या फिर दिसंबर में, क्योंकि नवंबर में फिर छुट्टियां आ जाती है, वो दुर्गा पूजा दिवाली छठ ये सब वगैरह वगैरह, दिसंबर में फिर विंटर ब्रेक आ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में जब सेशन स्टार्ट होगी, फिर एनटीए वाले फॉर्म फिलअप के लिए देंगे, जो भी चीज़ें होती हैं, तो जनवरी में एग्जामिनेशन होना थोड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी में एग्जामिनेशन हो सकता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, इसे लेके न्यूज़ मत बना देना, ऐसा मुझे लग रहा है होना चाहिए जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी में, और फिर मई में ऐसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। धनंजय का ये क्वेश्चन है कि जेई प्रिपरेशन के वक्त भैया आपने क्या मिस्टेक की थी। मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान देता था और क्वेश्चन बनाने पे मैं कम ध्यान देता था। डेली मैं हार्डली 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करता था, 50 से 60 मैक्स टू मैक्स। बट अब मेरा ये मानना है कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि आपको जेई एडवांस निकालनी है, जेई एडवांस जैसी एग्जामिनेशन निकालनी है, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो डेली आपको 100 से लेकर 150 क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से। अगर आप नहीं करते हो 30 क्वेश्चंस कितने ही होते हैं, मतलब 30 क्वेश्चंस अगर आप बनाओगे तो 2 घंटा 3 घंटे का वक्त लगेगा, तो 6 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग में और 2-3 घंटे पढ़ाई में, तो 8-9 घंटे अगर आप पढ़ाई करोगे तो चांसेस हैं। वैसे कुछ बच्चे तेज भी होते हैं, कम पढ़ के भी बहुत अच्छा आउटकम उनका निकल पाता है, तो अगर आप तेज हो तो कोई भी बात नहीं, अगर आप तेज नहीं हो तो फिर दिक्कत आ सकती है। मेरे साथ यही दिक्कत आई कि मैं क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉल्व कम करता था और सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। और दूसरी और एक गंदी आदत ये थी कि सपोज मैच हो रहा है तो स्मार्टफोन तो था ही हमारे पास, तो मैच चला दिए, तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे, मैच ऐसे चल रहा है और इधर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अच्छा हार्दिक पांड्या छक्का मारा, क्वेश्चन सॉल्विंग, धोनी आउट, उफ शिट, क्वेश्चन सॉल्विंग, तो वो नहीं बन पाता है, वो फोकस नहीं बन पाता है। ये गलती मैं करता था। तो अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो थोड़ा उसे अगर रिड्यूस करोगे, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि मेरी ये गलती थी, आप लोग में भी बहुत सारे बच्चे ऐसा करते होंगे, अगर ये नहीं करोगे तो रिजल्ट थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। हृदेश हिंदू के तरफ से और ये पूछ रहे हैं कि भैया जेई मेंस में अगर मुझे 80 मार्क्स लाना है हर सब्जेक्ट में, मुझे क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये यार कि हर एक सब्जेक्ट में डेली तुम्हें 2.5 घंटे से 3 घंटे वक्त देना स्टार्ट कर दो। मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हर एक बच्चे का अलग अलग सोच हो सकता है, हर एक मेंटर का अलग अलग सोच हो सकता है, बट मेरा ये मानना है कि हर सब्जेक्ट में आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त डेली देना चाहिए, कभी कम भी हो सकता है, बट नॉर्मली आपको 2.5 से 3 घंटे का हर एक सब्जेक्ट में वक्त देना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर आप 80 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में स्कोर करना चाह रहे हैं, उसका मतलब आपको 200 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने हैं, 230 240 मार्क्स स्कोर करने हैं। इसका मतलब ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसा हो जाना चाहिए कि याद हो गया। मतलब अगर आपके सामने एक लाइन से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस खुली है, कोई एक सामने अगर आपका एक लड़का खड़ा है, वो अगर आपसे एक कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उस पर अटके ना,
समझ रहे हो, एक क्वेश्चन एक चैप्टर अभी आपकी कंप्लीट हो गई, अगर एक महीने के बाद कोई एक दूसरा लड़का बगल से आके वो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको ये ना बोलना पड़े कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर टेस्ट होती है तो आपको ये बहाना ना बनाना पड़े कि पापा अभी तो हमारी टेस्ट हो रही है, दो महीने पहले हमारी पढ़ाई हुई थी, जब आखिरी वक्त मिलेगा एक महीने का वक्त तो मैं रिवाइज करके वो चीज़ें बता पाऊंगा। अगर ये बहाना बनाना पड़ रहा है तो फिर 80% मार्क्स आपके नहीं आ सकते। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर को रट खाना है, पी खाना है, जैसे भी खाना है खा जाओ उसे। मतलब उसके जो क्या बोलूँ, तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया है, उस वो क्वेश्चन किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक आपके दिमाग में पूरी क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। एक तरीके से देखा जाए, सपोज अगर आप एक वेक्टर 3D की चैप्टर खोलते हो, आपको लगे यार कि 150-200 क्वेश्चन आ गए अभी तक, अब उसे नए टाइप के क्वेश्चन बनने की गुंजाइश ही नहीं रही, उसी को फिर घुमा के दिया जाता है और वहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ उतने क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हो, जैसे इंटीग्रेशन की हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, वेक्टर 3D हो गई, या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आ गए कि इससे अलग टाइप के क्वेश्चंस खास करके जेई मेंस की परीक्षा में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप उनको बहुत अच्छे ढंग से करते हो, एक एक टॉपिक क्लियर कर लेते हो, तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये वाली जो आपकी 80 मार्क्स का जो सपना है वो पूरा हो सकता है हर सब्जेक्ट का। साथ साथ ये भी पूछा था कि भैया आपकी अर्निंग क्या है, तो यार अर्निंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है एक्चुअली, मतलब ये कभी 15,000 भी होती है, ये कभी 50,000 प्लस भी होती है, ये कभी 80,000 प्लस भी होती है, और ये कभी 15,000 से कम भी होती है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग चीज़ है। और मेरी अर्निंग जो है पार्टिकुलरली वो YouTube पे डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब ज़्यादातर YouTube पे डिपेंडेंट नहीं होती। मेरी वेबसाइट आप लोग जानते हो काफ़ी अच्छी रैंक करती है, SEO वगैरह मैंने कर रखा है खुद से ही, जितना मेरे से पॉसिबल हो सके। तो मेरी जो अर्निंग है उसमें YouTube का जो हिस्सा है वो 20-30% है, बाकी स्पॉन्सरशिप फॉर YouTube वीडियोस, स्पॉन्सरशिप फॉर वेबसाइट, मेरी खुद की एक एप्लीकेशन है, फिर इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज आपने गोल्ड खरीदा 30,000 में, उसकी दामों की 50,000, 60,000, 55,000 वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करके रखा, अगर 4,00,000 तो वहाँ से फिर इनकम आ जाती है। फिर एक बोलते हैं सूत लगाना, सूत लगाना शायद कुछ बच्चे समझ गए होंगे, किसी को आपने दिया 5,000, आपने बोला कि आफ्टर 1 मंथ आई विल टेक 7,000, तो अगर किसी को आपने 1,00,000 दिया तो वहाँ से आपको आ गई 1,25,000, वहाँ से हो जाती है। फिर काउंसलिंग हो गई, तो काउंसलिंग में जैसे कि जो कंपनीज होते हैं, जो बड़े कंपनीज होते हैं, वो हम लोगों को बुलाते हैं क्योंकि हमारी फेस वैल्यू होती है, तो जैसे कि मैं आपको इतना 1,000 दूंगा, आप आइए मेरे साथ, आप मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए, तो फिर वहाँ पे 1 घंटे का वक्त दिया जाता है, तो वहाँ से पैसे होते हैं। फिर अनअकैडमी वगैरह से जो टीचिंग कोलैबोरेशंस होती हैं वहाँ से होते हैं, अभी भी ऑफर आ रही थी लाइव पढ़ाने के लिए काफ़ी दिनों से, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाऊँगा, देखता हूँ कि क्या होता है। तो इतने जगह से ये पैसे वैसे आते हैं, एडसेंस के पैसा, एडसेंस का पैसा से बस यही हो सकता है कि खा पी लूँ, सो जाऊँ अच्छे से, छोटा मोटा फ़ोन चलेगा वो 8-10 हज़ार वाला फ़ोन चला लूँ, और रास्ते में जाऊँ और दिखा कि यार वहाँ पे एक बहुत अच्छा वाला खाना दिख रहा है, तो फिर ये सोचना पड़ेगा यार कि अच्छा पैकेट में तो 50 रुपये ही हैं। तो एडसेंस के पैसे से सिर्फ इतना ही हो सकता है कि अगर मैं जाऊँ और मेरे सामने अगर छोटा भाई खड़ा है, वो बोलेगा कि भैया वो चीज़ खाना है, तो मैं ये बोल पाऊँगा कि यार वो चीज़ अच्छा नहीं है, वो अगर खाओगे तो अच्छा नहीं होगा, तो इतनी कमाई एडसेंस से हो पाती है। बाकी सारी चीज़ों को मिला के काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, और आप लोगों को बताऊंगा मैं एक वीडियो में कि कैसे किस तरीके से आप लोग भी पैसे कमा सकते हो अपने कॉलेज लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ से अगर पास आउट हुए हो तो। उसमें ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि भैया मैं पढ़ाई करता हूँ ऑनलाइन स्टडी, तो उसमें आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जैसे कि मैं अभी सपोज ब्लॉग लिख रहा हूँ या कुछ पढ़ाई करता हूँ, गिट की प्रिपरेशन ऑनलाइन ही हो रही है फिलहाल, तो आँख पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसके लिए कौन से स्पेक्स या फिर क्या करने चाहिए। पहली बात तो ये कि जब अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपके जैसे कि मैं तो वन प्लस का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, तो इसमें हमारा नाइट मोड दिया गया है, तो आप चाहो तो वो नाइट मोड यूज़ कर सकते हो, उससे थोड़ी सी आप लोगों की आंखों में इफेक्ट कम पड़ेगी। अगर ये नहीं है तो कोई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, वो भी काम कर जाती है। अगर आप लैपटॉप को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो लैपटॉप की एक स्क्रीन आती है, यूवी स्क्रीन या कुछ ऐसा करके आता है, मुझे नाम ढंग से याद नहीं आ रहा, वो आप लोग खरीद सकते हो, 200-400 की आएगी, लैपटॉप पे लगा लो, दिखने में खूबसूरत नहीं लगेगा लैपटॉप, बट आंखें बच सकती है आपकी। तीसरी चीज़ ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेक्स अपना बदल लो, कंप्यूटर स्पेक्स ऐसा करके लेंस कार्ड पे मिलती है, कंप्यूटर ग्लासेस या कुछ करके ऐसा, तो उसे आप जाके वहाँ पे देखोगे, तो वो ग्लासेस अगर लगाओगे तो आप जब ग्लास को ऐसे लाइट पे रखोगे ना, तो आपको ग्लास ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है, और आपकी जो नॉर्मल ग्लास होती है वो ग्लास होती है वाइट, और वो ग्लास आती है महंगी जो ब्लू ग्लास होती है। अगर आप अच्छी ग्लासेस लोगे तो 1500 से 2000 के बीच में पड़ती है, तो अगर आप वो ग्लास को यूज़ करोगे या फिर किसी जब चश्मा बदलने जाओगे, तो वो जब अगर आप बोलोगे कि भैया मैं पढ़ाई करता हूँ और आँखों में पेन होता है या फिर दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है, तो मुझे वो वाला ग्लास चाहिए, ग्लास का मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो वो आपको दिखा देंगे, वो यूज़ कर सकते हो, आंखें बच जाएगी आपकी। अब यार ये एक गौरव रॉय का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, और
अभी मैं आपके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाऊंगा शायद। बेसिकली ये है कि इसके जो पेरेंट हैं गौरव रॉय के, वो एक टिपिकल ओल्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स कह सकते हैं, जिनको ये लगता है कि ऑनलाइन स्टडी बहुत बुरी है, थोड़ी सी बुरी तो है बट उतनी बुरी नहीं है, बहुत बुरी है, और सिर्फ हमें ऑफलाइन स्टडी पे फोकस रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसकी 11th बहुत ज़्यादा वीक है, सिर्फ इतनी अच्छी थी कि ये लास्ट में एक महीने पढ़ाई करके 11th पास कर गया, अब इसे 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कहाँ से किस चीज़ को पढ़ूँ, इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करूँगा तो कोई और टॉपिक कहीं पर उस पर SHM की क्वेश्चन आई तो मैं वहाँ पर अटक जा रहा हूँ। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी हाइड्रोकार्बन ही क्लियर नहीं है, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी पीरियोडिक टेबल ही क्लियर नहीं है, और अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री इधर मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी मोल कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो भैया मैं करूँ क्या, ये वाली डाउट थी। दूसरी चीज़ ये कि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि ये जो ऑनलाइन स्टडीज होते हैं वो फेक होते हैं, और तीसरी चीज़ ये कि इसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी लेके रखी, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर केमिस्ट्री की मैं बात बताता हूँ, केमिस्ट्री में अगर आपकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा बुरी है तो सबसे पहले मूल कंसेप्ट पढ़ लो, दूसरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग, चौथा उसके बाद फिर ये सब जो है ना अपना पी ब्लॉक एस ब्लॉक स्किप मार दो, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर वक्त मिले तो सबको पढ़ना है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या मूल कंसेप्ट, दूसरा क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ दो फिलहाल के लिए, तीसरा रियल गैस को भी फिलहाल के लिए छोड़ दो, चौथा पीरियोडिक टेबल को करो, पांचवा केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे तरीके से करो, उसके बाद एस ब्लॉक पी ब्लॉक हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो भी है सबको छोड़ दो, उसके बाद हाइड्रोकार्बन और GUC जो है इसे अच्छे से पढ़ो, यहाँ तक पढ़ लिया आपने, उसके बाद फिर 12th को स्टार्ट करो, कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, इतना बेसिक आपका क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएगा कि 12th के किसी भी चैप्टर पे दिक्कत नहीं आएगी, किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आता हूँ मैथमेटिक्स पे, भैया मेरे मैथमेटिक्स पे मैं कैसे करूँ, मैथमेटिक्स में यार महाकुंभ सा है, मतलब जैसे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोनिक सेक्शन को देखोगे बहुत बड़ा सा कोनिक सेक्शन है, करना पॉसिबल नहीं है फिर से दोबारा, अगर आप ऑनलाइन स्टडी अभी नहीं कर रहे तो फिर पढ़ोगे क्या, समझ रहे हो, तो इन दैट केस अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए मैं बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाँ दिन रात बैठ के मैं ट्रिग्नोमेट्री बना रहा हूँ, बेवकूफ़ वाला हरकत मत करना कि बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या ऑपरेशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा बहुत ढंग से करो और सर्किल को ढंग से करो, सर्किल अच्छे से हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन अच्छे से हो जाएगी, पहला चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, और सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा करके ही कुछ चैप्टर होगा शायद, आप किस बोर्ड से मुझे पता नहीं, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, तो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ो सबसे पहले, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स एकदम बेसिक, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बेसिक, समझ रहे हो, इसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स को पढ़ो, स्ट्रेट लाइन सर्किल और प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स, आगे बढ़ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ने के बाद फिर 12th स्टार्ट करो, 12th में लिमिट्स आएगी समझ में आएगा, AOD आएगी, सब कुछ अपने आप क्लियर होता जाएगा, AOD से आप इवन कोनिक सेक्शन के भी क्वेश्चंस को कर पाओगे, बहुत सारे कोनिक सेक्शन को, तो बेसिक में मिनिमम इतना चैप्टर अगर कर लोगे तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स में ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है कि 11th का चैप्टर आपको 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, नॉर्मल बोर्ड्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जेई मेंस में प्रॉब्लम दे सकता है, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देने वाला, तो अगर आप जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए फ्लूइड विस्कोसिटी इलास्टिसिटी ये सारे चैप्टर को फिलहाल के लिए छोड़ दो, SHM को इन सारे चैप्टर को फिलहाल के लिए छोड़ दो, काइनेमेटिक्स की बेसिक जो चीज़ें हैं वो काइनेमेटिक्स कर लो, उसके बाद सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास के बाद RBD, इतने चैप्टर को आप ढंग से करो, ये मेरा मानना है, इतने चैप्टर को आप ढंग से कर लो, इसके बाद 12th पे शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और चैप्टर आप लोगों को बाद में करना है वो है थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स नहीं कर रहे हो लेकिन फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स से जेई मेंस और जेई एडवांस में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, छोड़ना नहीं है इस चैप्टर को, तो वो कर लेना, बाकी आपकी काम वो बन जाएगी। तो और इसको ये देख के मुझे ऐसा लगा यार कि मेंटरशिप प्रोग्राम की कितनी ज़्यादा नीड है एक नॉर्मल बच्चे को, तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि कितने बच्चे आप लोगों में से ऐसे हो जिनको ऐसा लगता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग में दिक्कत आती है, मेंटरशिप में दिक्कत आती है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ूँ, कब तक पढ़ूँ, ये सारी चीज़ों में दिक्कत आता है, कौन से कॉलेज में जाऊँ, किस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, ये कॉलेज अच्छा है बुरा है फलाना ढिकाना जो भी हो, ये सारी चीज़ों में डाउट आता है कि नहीं आता है। आप लोग में से जो भी बच्चे ये चाहते हैं कि आपका एक बड़ा भाई
से कि मैं आप लोगों से एक सीनियर हूँ, एज ए सीनियर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, एक बड़ा भाई टाइप का होना चाहिए जिसको हम लोग मेंटर कहते हैं, जो आप लोगों को मेंटर करे। कितने बच्चों को ऐसा लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, फिर मैं बाद में आप लोगों को फिर डिसाइड करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इतने सारे क्वेश्चन है कि मेरे पसीने टपक रहे हैं, बहुत सारे। मोहम मुखोपाध्याय, शायद ये वेस्ट बंगाल से है लड़का, और इसका ये क्वेश्चन है कि भैया मेरे 90 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो मुझे JU में सिविल इंजीनियरिंग डिमाना का छोटा छोटा जो होता है ना वो हमारा जो क्या बोले जैसे कि प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ये सारे कोर्सेज मुझे नहीं चाहिए, तो क्या मुझे टॉप के ब्रांचेस मिल पाएंगे? दी आंसर इज नो, यू हैव टू स्कोर 100 प्लस मिनिमम 105-110 स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको इलेक्ट्रिकल या कुछ और मिल सकता है। 90 मार्क्स में आपको फूड टेक्नोलॉजी मिल सकती है, सिविल मिल सकता है, सिविल भी चांसेस कम है मिल सकती है, बट कंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग ये सारी चीज़ें ही मिलेगी, सो इससे इंक्रीज करना पड़ेगा यार। ठीक है, उसके बाद है शिवानी श्रीवास्तव का एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है कि क्या आपकी कोई सिस्टर है? तो मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मेरे अंकल की भी कोई बेटी नहीं है, तो ना मेरे खुद की सिस्टर है और ना ही अंकल की बेटी है। अगर हम लोग इन फ्यूचर यूट्यूब चैनल भैया खोलते हैं तो क्या आप हमारा सपोर्ट करोगे अगर मैं आपके पास आता हूँ? द आंसर इज येस, मैं सपोर्ट करूँगा, बट कब करूँगा? मैं तब करूँगा जब मैं देखूँगा कि आप जो वीडियो बना रहे हो वो ऑथेंटिक वीडियो, फेक वीडियो वे सब नहीं बना रहे हो, एक अच्छी वीडियो बना रहे हो, एक ऐसी वीडियो बना रहे हो जो कि दूसरा बंदा अगर देखे उसके लाइफ में 1% ही चेंज वो ला सके। जैसे कि एक JU का लड़का है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक लड़का है, काफ़ी शानदार वीडियो बनाता है। मैं बस इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि कैसे JEE मेंस की एग्जामिनेशन खत्म होती है, मैं उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो जब आप उसकी वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि उसके 400-500 सब्सक्राइबर हैं, वो लड़का एक वीडियो पे 6 दिन 5 दिन मेहनत कर रहा है और वीडियो बना रहा है। तो वैसे बच्चों की मैं ज़रूर मदद करूंगा, और आपकी भी अगर YouTube चैनल खुलेगी तो मैं मदद ज़रूर करूंगा। ठीक है, कि भैया अब हमारे पास 1.5 महीने का वक्त है, क्या मुझे अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया मैं रखता हूं। पहली क्राइटेरिया ये कि अगर आपकी प्रिपरेशन 0 लेवल की है, आपको 20-30-40 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसी है कि 70-100 मार्क्स, 110-120 आ रही है, तब आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी अंतिम के 1.5 महीने में वहाँ से एक क्रैश कोर्स टाइप का अगर कोर्स लेते हो तो वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। 20-30 मार्क्स से एक बार में 1.5 महीने में अचानक से 150 मार्क्स नहीं आने वाले, ठीक है, तो फिर ये कोर्स आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता। ठीक है, ऋत्विक कुमार का एक क्वेश्चन है, ये हमसे पूछ रहा है कि भैया बैचलर ऑफ प्लानिंग की क्या स्कोप है, और उसकी परसेंटाइल थी 96% थी बैचलर ऑफ प्लानिंग में। पहली बात तो ये यार कि अगर आप बैचलर ऑफ प्लानिंग एक अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, तो यू हैव टू स्कोर 98% और मोर। 96% पे आपको कॉलेजेस अच्छी कॉलेज नहीं मिलने वाली है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर स्पा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, देन यू हैव टू स्कोर 99+। NITs अगर अच्छा चाहते हो तो 98+, उससे कम अगर होगी तो फिर बहुत अच्छी कॉलेज नहीं मिलने वाली है। ठीक है, स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट, डायरेक्ट प्लेसमेंट आपको 10 लाख 14 लाख 15 लाख वाली देखने को नहीं मिलेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बिल्ड योर ओन बिजनेस, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसकी यही चीज़ें हैं यार, बाकी आपके मन के ऊपर है। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, आप मेरे चैनल को या फिर BTech वर्सेस BArch वर्सेस BPlanning अगर आप सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। उसे मैंने सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया है कि BTech में क्या स्कोप है, BPlanning में क्या स्कोप है और BArch में क्या स्कोप है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ना का ये क्वेश्चन है कि भैया आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, पता नहीं इससे इसको क्या फ़र्क पड़ता है, बट उसने पूछा है, तो मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को लिया है। आप कहाँ रहते हो, आप कौन से कॉलेज में हो, क्या आपसे मिलना पॉसिबल है? मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। पहली बात तो ये यार कि इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फिलहाल चला नहीं रहा, क्योंकि इसे बहुत सारे मैसेज आते थे, फॉलोअर्स भी 2000 ही थे। आप लोग प्यार दिखाओ कि अगर 5000-6000 फॉलोअर करोगे तो मुझे मज़ा आएगा उधर थोड़ा भी। तो इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा सा अभी फिलहाल कम एक्टिव रह रहा हूँ, जब से घर आया हूँ या फिर जब से लॉकडाउन हो गई ना, तब से मैं कम चला रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, बहुत अच्छी है, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। कहाँ रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, एग्जैक्ट जगह नहीं बताने वाला मैं। किस कॉलेज में हूँ, तो मैं WBJEE के द्वारा IEM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में पढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है, क्या मिलना पॉसिबल है? डेफिनेटली मिलना पॉसिबल है। मैं सोच रहा हूँ कि एक मीटअप रखूँ, तो आप लोग बताओ क्या मीटअप में आओगे? अगर आओगे तो मैं मिल लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस यही चीज़ें थी आंसर। एक गॉड गिफ्टेड नाम का एक नाम है, उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि भैया आपको एक वीडियो बना के अपलोड करने में कितना वक्त जाता है? तो बेसिकली यार, एक वीडियो डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप के वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मैं जब क्वेश्चंस की वीडियो बनाता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उस वीडियो को मुझे बनाने में लिटरली 5 दिन 6 दिन 7 दिन का वक्त लगता था। एडिट करो, बनाओ, क्वेश्चंस को पिक करो, डालो, क्योंकि मैं सिंगल आदमी हूँ, अकेला सारा काम करना पड़ता था। इसलिए फेक न्यूज़ बनाना सबसे आसान है, 20 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। एग्जाम होगी, एग्जाम होनी चाहिए, एग्जाम मे हैपन, एग्जाम कुड हैपन, एग्जाम हैपन क्वेश्चन मार्क, एग्जाम मे पोस्टपोन, एग्जाम कैन पोस्टपोन, एग्जाम विल पोस्टपोन,
तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो बनाना आसान है। इसको बनाने में 1 घंटा 50 मिनट ऐसा वक्त लगता है। स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने में, किसी भी चीज़ को वैलिडेट करके अच्छे तरीके से बनाने में 5 घंटे 6 घंटे का वक्त जाता है। अगर एक कॉलेज रिव्यू को ढंग से बनाया जाए, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से एडिट करके बनाया जाए, तो उसमें 7 घंटे 8 घंटे का वक्त जाता है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो शूट करने में मुझे 1 घंटे का वक्त लगा, सब कुछ करने में मुझे 4 घंटे 5 घंटे का वक्त लगा। इतने वक्त में ये एक वीडियो जो है वो तैयार होती है। ठीक है, पल्लवी रॉय का क्वेश्चन है पटना से, वो पूछ रही है कि पहले तो वो मुझे बहुत अच्छे हो भैया, थैंक यू जूनियर। उसके बाद क्वेश्चन है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में और फ्रीलांसिंग में करियर बनाना चाहती हूँ या फिर करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है रैदर देन बुकिश नॉलेज। सपोज़ मैं आपको बोलूँगा घर बनाना पढ़ा दूंगा मैं आपको, ईटा लगता है, सीमेंट लगता है, बनाओगे कैसे जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। सेम गोज़ टू डिजिटल मार्केटिंग, समझ रहे हो। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए अगर आपको कोर्स से स्टार्ट करना है सबसे पहले, तो गूगल की एक कोर्स आती है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग, गूगल पर एक कोर्स आएगी आपकी, गूगल की ही कोर्स आती है वो, तो वो कर लो। उसे आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा कि क्या करना है, उसके बाद उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एक कोई पोर्शन को चूज करो कि मुझे मार्केटिंग ही करनी है, मुझे फेसबुक मार्केटिंग करनी है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, क्या करना है मुझे, उस चीज़ को पिक करो, उसके ऊपर फिर आराम से फिर पढ़ाई करो। तो ये हो गई हमारी डिजिटल मार्केटिंग की पार्ट। दूसरी आती है हमारी फ्रीलांसिंग की पार्ट। फ्रीलांसिंग में यार आप क्या करना चाहते हो, मैं ब्लॉग लिखना चाहती हूँ, मुझे डबिंग करनी है, मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे एप्लीकेशन बनानी है, मुझे एक्स वाई जेड करना है, कुछ भी करना है, तो वो एक पार्टिकुलर पार्ट को चूज़ करना पड़ेगा। ए सिंगल गाय कांट डू 10 काइंड ऑफ वर्क, जो भी मैं बोलूँ यार, मतलब अगर आप चाहोगे कि मैं डबिंग भी कर लूँ, मैं डांस भी कर लूँ, मैं सिंगिंग भी कर लूँ, मैं ऐप भी बना लूँ, मैं वेबसाइट भी बना लूँ, मैं उसका डेवलपमेंट भी कर लूँ, मैं कोड भी कर लूँ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि उस सारी चीज़ों में आप अच्छा होगा। किस एक चीज़ को चूज़ करो कि क्या मुझे करना है, उस चीज़ के ऊपर फिर वीडियोज़ ढूंढो यूट्यूब पे और वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। खैर ये दोनों चीज़ों के ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, तो अभी मैं डिटेल नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं बाद में आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो मिस भी हो चुके हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, और फिर बाद में मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस की मैं आंसर दूँ। फिलहाल के लिए मैं लेता हूँ अलविदा, और मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए।